नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूँ मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कंगना रनौत ने अपने दम पर बॉलीवुड में कदम जमाए हैं। इसी के साथ ही एक्ट्रेस आज अपनी बेबाकी और टैलेंट के चलते बॉलीवुड क्वीन कहलाती हैं। इंडस्ट्री में इतने साल रहते हुए उन्हें कई तरह के लोग मिले, इनमें से कई ऐसे रहे जिनके साथ एक्ट्रेस का लव अफेयर भी हुआ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी पर्सनालिटीज के साथ जुड़ा था कंगना का नाम। अजय देवगन के साथ कंगना जब काम कर रही थी तब दोनों काफी मस्ती मजाक के मूड में आ जाते थे। कथित तौर पर दोनों का अफेयर भी शुरू हो गया था, हालांकि अजय देवगन ने इस बात से साफ इनकार किया था। दरअसल अजय देवगन का घर टूटने की कगार पर आ गया था। काजोल इस खबर को सुनकर बहुत अपसेट हो गई थी। अध्ययन सुमन संग कंगना करियर के शुरुआत में रिलेशनशिप में रहीं। इस रिलेशनशिप में अध्ययन ने कंगना पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। वहीं कंगना जब बॉलीवुड में नई नई आई थीं और मॉडलिंग करते हुए स्ट्रगल कर रही थी तब एक्ट्रेस की मुलाकात आदित्य पंचोली से हुई थी। आदित्य पंचोली इंडस्ट्री का बड़ा नाम रहे हैं, ऐसे में कंगना और आदित्य कथित तौर पर एक रिश्ते में रहे। कंगना ने ब्रेकअप के बाद आदित्य पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कंगना रनौत की पर्सनल लाइफ काफी सुर्खियों में रही है, ऐसे में ऋतिक रोशन संग उनके रिलेशनशिप का चैप्टर भी इसमें ऐड ऑन रहा। कंगना ने दावा किया था कि ऋतिक से उनका नाता रहा, वहीं ऋतिक ने इस खबर को नकार दिया था। कंगना ने ऋतिक पर भी कई आरोप लगाए थे। कंगना रनौत को यूके बेस्ड एक डॉक्टर साइंटिस्ट निकोलस लेफर्टी से प्रेम हो गया था। कई बार दोनों साथ में नजर आए, फिर दोनों की राहें जल्दी अलग भी हो गईं। तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।